हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनू कसाना, योर SSC टीचर, एंड दिस इज़ द चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, क्लास 7th. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट हेडिंग इज हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसका दायित्व है, किसका दायित्व बनता है काम इस चीज़ का, किस चीज़ का. चलिए, हाउ, हे लुक एट दिस, अरे इसे देखो. इट सेज दैट देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, हमारे प्रदेश में वाटर शॉर्टेज है, ये दिखा रहा है यहाँ पे, बताता है इसमें न्यूज़पेपर में कि पानी की कमी है हमारे राज्य में, एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग बीमार पड़ रहे हैं. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं. इन मैनी विलेजेस, कई गाँवों में पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, लोग गंदा पानी पीते हुए मिले हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो नाले हैं, जो मतलब स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, वो सूख चुकी हैं, एंड सो हैव टैंक्स, और जो टैंक्स हैं वो भी सूख चुके हैं. द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, जो जहां बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, वो एरियाज हैं. विलेजर्स हैव बीन क्रैंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, लोग काफ़ी दूर से पानी लेके जा रहे हैं. चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये थर्ड वाली. अब ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाए टू ऑल द सिटीजन्स. चलिए अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, सब चीज़ के बारे में. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, HQ मतलब हेड क्वार्टर, पातालपुरम रिसीव्स वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज. तो जो है पातालपुरम हेडक्वार्टर है, वहाँ पर लोग 3 दिन में एक बार पानी मिलता है वहाँ पर लोगों को. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ फ्लोइंग विद पेशेंट, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, जिला अस्पताल, वह मतलब मरीजों से भरा पड़ा है, सटा पड़ा है. अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रेन विद एक्यूट डायरिया, बहुत सारी बच्चों को बड़ी संख्या में डायरिया हुआ है. चलिए जी, गंदा पानी पीने से या ख़राब पानी पीने से डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं. चलिए अब पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है. लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, हमने पिछले साल ये चीज़ समझी थी कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 स्तर पर काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल. एक लोकल होती है, जिसे हम जैसे ग्राम पंचायत होती है या गांव का मुखिया होता है ऐसे, फिर स्टेट लेवल पे होता है जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, एंड नेशनल होता है, राष्ट्रीय, जैसे जिस पे प्रधानमंत्री यानी PM वर्क करते हैं. एंड लुक एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल, और हमने जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ डिटेल में जाना था. इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, हम यहाँ समझेंगे राज्य स्तर पर काम को सरकार के, है ना. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ये किस तरह से होता है, गणतंत्र में. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का रोल क्या है, MLA के क्या काम है, एंड मिनिस्टर्स और मंत्रियों के. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, लोग अपनी व्यूज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और डिमांड और अपनी मांगों को. एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है. वी लुक, हम देखते हैं एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, हम इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी पर्सनों को कुछ उदाहरणों के तौर पे समझेंगे, और स्वास्थ्य से संबंधित उदाहरण लेकर के. चलिए हम यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड है, हम वो पढ़ लेते हैं. स्टोरी बोर्ड अच्छा लगता है पढ़ने में, देखने में तो चीज़ समझ में आती हैं जल्दी. देखिए, ऑन द TV न्यूज़ दे सेड द पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इट इज़ दैट पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट. तो एक लड़की का मन में विचार आता है, ये जो लड़की है इसके दिमाग में बात आती है कि TV में ये खबर आ रही है कि लोग डायरिया से मर रहे हैं, क्या ये संभव है,
क्या डायरिया से सच में कोई मर सकता है? तो सेकंड जो गर्ल है वो लड़की बताती है, हु नोज, किसे पता है, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। मतलब कौन जानता है कि भाई कोई मरता है या नहीं मरता है, लेकिन मुझे तो बस, मैं ये आशा करती हूँ कि भगवान मुझे ये ना हो, ये बीमारी मुझे ना लगे, है ना। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है ना, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं कोरोना है भी या नहीं, लेकिन ये सब कहते हैं कि बस मुझे ना हो, है तो मुझे हो ना, है ना। ऐसे ही वो बोल रही है कि कौन जानता है कि डायरिया से लोग मरते हैं नहीं मरते हैं, लेकिन बस मुझे ना हो। चलिए जी, माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी एसिड आइस्ड सॉरी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। मेरी मदर ने कहा है कि नॉट टू हैव, मत लेना एनी आइस्ड ड्रिंक्स, कोई आइस्ड ड्रिंक को फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से। सी गेव वन ऑफ द हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, उसने सुबह, मतलब मदर ने सुबह ही एक लेक्चर दिया है, भाषण दिया है, यू हैव टू बी पॉसिबली पॉसिबल फॉर योर हेल्थ सीरीन, सॉरी यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, तुम्हें तुम अपनी जिम्मे अपनी स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। सीरीन, सीरीन उस लड़की का नाम है। तो दूसरी हंस देती है, हा। ओके भाई, चलिए जी, अब आगे चल देते हैं। सडनली स्टॉप, अब यहाँ पे कोई आगे है तो उसे अचानक वो कहता है रुको। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं, स्टोरी बोर्ड है हमारे पास। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव घेराउड द MLA रेजिडेंस, घेराउड है, सॉरी सॉरी। दिस रोड इज ब्लॉक, ये रोड ब्लॉक है, बंद है, ड्यू टू द रैली, एक रैली की वजह से। रैली कहते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दे हैव गैदर्ड, वे इकट्ठे हो रखे हैं, रोड है ये, ब्लॉक है, एक रैली की वजह से, और इन्होंने MLA के घर का घेराव किया हुआ है। रैली, वास्तव में, सच में, वाय, क्यों, हैज ही डन समथिंग, क्या उसने कुछ करा है? तो जो लड़की है, बच्ची है, उसे उसे नहीं पता कि उन्होंने घेराव क्यों किया हुआ है, तो वो पूछती है कि क्यों किया है, क्या MLA ने कुछ कर दिया, उसने कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वाट ही हैजेंट डन। हाँ, अब वो जो पुलिस लेडी है वो बताती हैं कि दे सीम मोर एंग्री अबाउट वाट ही हैजेंट डन, उसने जो नहीं किया वे उसके बारे में क्रोधित हैं, मतलब जो उसे करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। यहाँ देखो, एंड वी डिमांड, और हम मांग करते हैं, दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और हम मांग करते हैं अथॉरिटीज से कि वो तुरंत एक्शन लें, ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, जो भी पब्लिक की स्वास्थ्य स्थिति है उसे नियंत्रण में लाया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। आवर MLA मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारा जो MLA है, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक हिंदी में कहते हैं, उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। व्हाट ए लाउड वॉइस ही हैज़, उसकी कितनी ऊंची आवाज़ है, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, उसे या तो नेता होना चाहिए या कुछ ऐसा ही। श्योर आई सा हिम ऑन TV, मैंने उसे टीवी पर देखा है। टू भी, मैंने उसे टीवी पर भी देखा है। ही इज ए मेम्बर ऑफ द अपोजिशन, वो अपोजिशन का सदस्य है, यानी विपक्ष का आदमी है। क्या एक MLA कौन होता है? इन दी अबाउ सेक्शन, ऊपर के सेक्शन में, यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, तुमने पातालपुरम में कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ा। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ETC, तुमने कुछ अधिकारियों के नाम सुने होंगे, जैसे कलेक्टर होता है ना, DM होता है ना कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर होता है, इस तरह से। बट यू हैव हर्ड एन ऑफ एन MLA, क्या तुमने किसी MLA का नाम भी सुना है, विधायक का नाम सुना है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधान परिषद का नाम सुना हो? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या तुम्हें अपने एरिया के MLA का नाम पता है? ये आपको लिखना है, ठीक है ना। हु इज़ MLA ऑफ योर एरिया लिखेंगे, और फिर आंसर लिखेंगे,
जो भी है ना, वो आपको खुद ही देखना है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू, और आपको उसकी पार्टी का नाम में लिखना है ना, ही और सी बिलोंग्स टू, और फिर आगे पार्टी का नाम, ही और सी बिलोंग टू, सी और ही बिलोंग्स टू, और पार्टी का नाम है। चलिए जी, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो एमएलए होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, लोग चुनते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब वे सदस्य बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड आल्सो फॉर्म द, और वह बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो सरकार बनाते हैं, मतलब सरकार का गठन करते हैं। इन दिस वे, इस तरह से वी से दैट, हम कहते हैं कि द पीपल रिप्रेजेंट पीपल, एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, जो एमएलए होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के का प्रतिनिधित्व करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो हेल्प विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, और इस चीज़ को समझने में नीचे का जो उदाहरण है वो हमारी मदद करेगा। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रत्येक स्टेट में, राज्य में, भारत में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, विधान परिषद। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज, प्रत्येक राज्य अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं मतलब उसे बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, और आपको नीचे हिमाचल प्रदेश दिखाया गया है जो 68 विधान मतलब विधान निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, लोग एक प्रतिनिधित्व नेता का चुनाव करते हैं। दे बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन जाते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट, तुमने ध्यान दिया होगा, पीपल स्टैंड फॉर द इलेक्शन इन द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्टीज, लोग अलग अलग पार्टीज से इलेक्शन में खड़े होते हैं है ना, जैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इस तरह से कांग्रेस। दीज एम एल एज देयर फॉर बिलोंग्स टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, इसीलिए इन एम एल एज को, ये जो एम एल एज होते हैं डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, संबंधित होते हैं। देखो ऐसा भी होता है कि बिना पार्टी के भी इलेक्शन लड़े जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, पार्टीज वाले इलेक्शन, पार्टीज वाले जो लोग होते हैं जो पार्टी से लड़ रहे होते हैं उन्हीं में से कोई जीतता है, बिना पार्टी वाले है ना, जो मतलब फ्री मेंबर्स होते हैं वो कम ही जीतते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एम एल एज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जो एम एल ए होते हैं लोग वो कैसे मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। ए पोलिटिकल पार्टी हुज एम एल एज हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मजोरिटी, अगर किसी पार्टी के एम एल ए किसी प्रदेश में आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीत जाएं, तो उन्हें कहा जाता है वो मजोरिटी में हैं, है ना, मतलब उन्हें जनमत मिला है, ऐसा कहते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं, शासन करने वाली पार्टी कहते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और सभी बचे हुए सदस्य जो होते हैं उन्हें अपोजिशन कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ओपोजिशन सभी सदस्यों को कहा जाता है, लेकिन ओपोजिशन पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है उसे कहा जाता है ना, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे ओपोजिशन पार्टी कहा जाता है, ठीक। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 मेंबर्स एम एल एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल प्रदेश की उसमें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 का हाफ कितना होता है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 34 होता है, 34 प्लस 1 है ना, किसी ने अगर 35 सीट विन कर ली ना तो वो उसकी वो ही रूलिंग पार्टी बन जाएगी हिमाचल प्रदेश में, अगर एक ही सिंगल पार्टी ने इतना कर लिया,
अगर एक सिंगल पार्टी के पास 35 सीट्स नहीं आती हैं तो फिर दो पार्टी अलायंस करके बनाती हैं गवर्नमेंट। ठीक है, समझ रही बात। ये आपको पिक्चर्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश का पिक्चर है जहाँ पे आपको 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई हैं। किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर लोग कम होते हैं उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है ना। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंड ऑन द पीपल, लोगों के हिसाब से। चलिए जी, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट भी बताया गया है एक 2017 का। 2017 में हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए थे उनका रिजल्ट ऐसे रहा था। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नंबर ऑफ मेंबर एमएलए इलेक्टेड हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 44 सीट विन की थी उसने। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 21, इसे हम केवल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं इस पार्टी को, उसमें 21 उन्होंने विन किए, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे मार्क्सिस्ट कहते हैं, मार्क्सिस्ट, उन्होंने एक सीट विन की थी यहाँ पे। और इंडिपेंडेंट, जो मैं बता रहा था ना, इंडिपेंडेंट हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते, ऐसे 68 में से केवल दो मेंबर थे, है ना। और इंडिपेंडेंट किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं आफ्टर द विनिंग, है ना, जीतने के बाद वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। जैसे बीजेपी में जा सकते हैं कि बीजेपी में वो मिनिस्टर बन जाएं, या अब उसे ज्वाइन कर लें रूलिंग पार्टी को, या कांग्रेस के साथ मिल सकते हैं। और कई बार ये इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, मान लो किसी पार्टी के लिए 34 सीट आती हैं, है ना, दो पार्टी की 34 34 आ जाती हैं, और दो हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट, है ना, सॉरी 34 34 में तो दोनों फिर नहीं आएगा ना, एक 33 33 हो जा ले लेते हैं, है ना, 33 33, ओके 33 33, और टू रहते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये टू जिसकी तरफ भी जाएंगे वही उसकी सरकार बन जाएगी, समझे बात। ऐसे कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलएज। अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट 2017 में इलेक्शन जीत करके एमएलए बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, हालांकि टोटल नंबर ऑफ एमएलएज पार्ट जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 68 हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी। अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी लेनी है तो उसे 34 से ज़्यादा एमएलएज चाहिए। दी भारतीय जनता पार्टी विद 44 एमएलए हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास 44 44 में एमएलए थे और वो रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर एमएलए बिकम द अपोजिशन, सभी दूसरे सदस्य जो भी एमएलए थे वो अपोजिशन बन गए। इन दिस केस इस तरह से द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, हमने बताया था उसके पास 21 एमएलए थे। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बाद इसी के पास सबसे ज़्यादा एमएलएज थे। अमंग द अपोजिशन वर वेयर अदर पार्टीज, जहाँ दूसरी पार्टियाँ इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो सभी सदस्य जो दूसरी पार्टी से जीते हैं सब अपोजिशन हो जाते हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपोजिशन में ही आएंगे। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो MLA जो भी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट देयर लीडर, वे अपना नेता चुनते हैं, हु विल बिकम चीफ मिनिस्टर, जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इन दिस केस इस तरह से द बीजेपी MLA चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर, और MLA के जो बीजेपी के MLAs थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर, अपना नेता चुना, एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो क्या बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, मुख्यमंत्री क्या करता है, वो दूसरे लोगों को चुनता है मिनिस्टर के रूप में, मंत्रियों के रूप में। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ही होती है हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, जो कि मुख्यमंत्री को और दूसरे मंत्रियों को चुनती है, बनाती है ना। चलिए जी, यहाँ जाइए। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ही उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है
डिपार्टमेंट्स को चलाने की या मंत्रालयों को चलाने की। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उन सब के अलग अलग कार्यालय होते हैं, सेपरेट ऑफिसेज होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस, एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो एक जगह होती है। इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज, जहाँ सभी एमएलए वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों और फ्रॉम द अपोजिशन या अपोजिशन के हों, मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग, वहाँ मिलते हैं अलग अलग चीज़ों पे बात करने के लिए। हैंस सम एमएलएज हैव डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एमएलएज के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, दुगनी जिम्मेदारी होती है। वन एज द एमएलए, उन्हें एक तो एमएलए की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है एंड दी अदर एज ए मिनिस्टर, और दूसरी उन्हें मंत्री के रूप में। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये पेज फोर पेज हो जाता है, फिफ्थ पेज हम कल पढ़ेंगे। चलिए अभी हम आप एक छोटे छोटे दो चार क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए भाई, यस, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने दो क्वेश्चन ये डिस्कस कर लिए हैं पहले ही, मैं बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपका ये आएगा कि हु इज़ द एमएलए ऑफ योर एरिया, हु इज़ द एमएलए ऑफ योर एरिया, एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से ही, फ्रॉम विच पार्टी ही और सी बिलोंग, फ्रॉम विच पार्टी ही और सी बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये दो आंसर आप लोग को लिखने हैं। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे, ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे, ठीक है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए, और ये आप लिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्लैंक करके लिखेंगे, ठीक है। क्या ब्लैंक करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली ब्लैंक करना है। चलिए जी, फिर आपका आ जाता है इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में, फ्रॉम ईच, ये ब्लैंक करेंगे, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और फुल स्टॉप, बस यहाँ पर। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसे ब्लैंक करेंगे, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ये दो आपके हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से लेंगे, यस, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, यहाँ से ये कर देंगे, इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी को आप इसे ब्लैंक करेंगे और तब बाद में लिखेंगे ब्लैंक में रूलिंग पार्टी। द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, फुल स्टॉप हो गया, ओके। चलिए जी, और एक ये लिखेंगे, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज ब्लैंक एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो आप इसमें 68 ब्लैंक करेंगे। चार आपके ट्रू फॉल्स ये हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, और दो आपके क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू वेरी मच।